इट्स एसी टाइम हेलो गाइस, माय नेम इज पूनम सन, यो वाचिंग रसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते होने वाले रो के एपिसोड के बारे में, जहां पर WWE ने बहुत सी चीजें एडवर्टाइज करती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखा था पिछले हफ्ते रो के एपिसोड में लिव मॉर्गन, बियंका ब्लेयर और डू ड्रॉप के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, और ये मैच WWE रो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर मैच होता है। इस मैच में डू ड्रॉप जीत जाती है। अब WWE रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच अपने टाइटल को डू ड्रॉप के खिलाफ रॉयल रंबल में डिफेंड करने वाली है। जैसा कि हमने देखा था पिछले हफ्ते रॉ के एपिसोड में टीम आरके ब्रो अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को ओटिस और चैट केबल के खिलाफ डिफेंड करते हैं। इसमें ओटिस और चैट केबल न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। अब टीम आरके ब्रो अपनी हार पर प्रोमो कट करने वाले हैं। जैसा कि मैं पता है WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर अपने टाइटल को बॉबी लेसली के खिलाफ रॉयल रंबल में डिफेंड करने वाले हैं। वहीं पिछले हफ्ते रो के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेसली का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें ब्रॉक लेसनर बॉबी लेसली की बहुत बेइज्जती करते हैं। इसी के चलते WWE ने एक प्रोमो को ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है, जहां पर बॉबी लेसली अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।